hi viewers this is Jawad and welcome back to my youtube channel today i will discuss the physical criteria and physical marks of commission in pakistan army for the long course pma 148 long course and technical credit course or maybe lady credit course etc so before i start my video make sure to subscribe to my youtube channel and hit the notification bell to get notified about latest videos updates about ISSB and many more things. So let's start our video. तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम आते हैं फिज़िकल क्राइटेरिया जो मेरे पास पाकिस्तान आर्मी का आया है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पे हमारे जो फ़िज़िकल होता है आपको पता है उसमें आपको सबसे पहले आपकी वन माइल रनिंग होती है वन माइल मतलब वन पॉइंट सिक्स किलोमीटर आपने रनिंग करनी होती है उसके बाद जो आपके पुल अपस होते हैं आपने थ्री पुलअप्स लगाने होते हैं उसके बाद जो आपका पुशअप होता है पुशअप आपने फिफ्टीन पुशअप लगाने होते हैं और उससे ज़्यादा उसके बाद क्रंचेज होते हैं और उसके बाद डिच क्रॉसिंग होती है तो यहाँ पे जो 146 लॉन्ग कोर्स था इससे इन्होंने इनकी नंबरिंग शुरू कर दी मतलब आपको मार्क्स मिलेंगे ताकि ये मार्क्स आपके जो फाइनल मेडिकल है आई एस एस भी है उसकी परफॉर्मेंस में भी ये शामिल होंगे और सब कुछ एंड पे जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा उसमें ये आपको हेल्प आउट करेंगे तो अभी इनिशियल टेस्ट में भी मार्क्स आए हैं इसीलिए इनिशियल टेस्ट को आपने इजी नहीं लेना तो 147 में भी ये मार्क्स थे और अभी 148 फोटी लॉन्ग कोर्स में भी ये मार्क्स हैं और टेक्निकल क्रेडिट कोर्स 32 एंड टेक्निकल क्रेडिट कोर्स 33 में और बाकी सब कोर्सेज में ये मार्क्स वाला क्राइटेरिया आ चुका है तो सबसे पहले हम बात करते हैं रनिंग की रनिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें अगर आप सेवन मिनट्स के अंदर अंदर पहुंच जाते हैं 1.6 किलोमीटर जो कि असल में 1.6 नहीं होता 1.8 किलोमीटर होता है आपको वो 1.6 कहते हैं वो, वो असल में ग्राउंड जो होता है वो 1.8 या 2 किलोमीटर होता है इसलिए आपने अपनी रनिंग की सही प्रैक्टिस करनी है सही आपने भागना है हर रोज सुबह शाम भागे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है वरना एक दिन में एक बार काफ़ी है और एक दो दिन तीन दिनों के बाद आपने रेस्ट करनी है ताकि आपके मसल रिकवर हो जाए रेस्ट भी आपने लाजमी करनी है कंटिन्यूसली हफ्ता प्रैक्टिस नहीं करनी दो दिन भागने एक दिन रेस्ट करनी है फिर दो दिन भागने एक दिन रेस्ट करनी है तो यहां पे जो हमारा क्राइटेरिया आ चुका है वन माइल रनिंग का आप सात मिनट के अंदर अंदर पहुंच रहे हैं बेशक वो दो किलोमीटर हो या 1.6 किलोमीटर हो तो आपने सेवन मिनट्स के अंदर यहाँ पे लिखा है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने वन माइल सिक्स मिनट्स के अंदर करना है आपने यहाँ पे फुल थ्री मार्क्स इसके ले लेने हैं यहाँ पे जो इन्होंने माइल लिखा हुआ है यहाँ पे मार्क्स की जगह कई सिलेक्शन सेंटर में ग्रेडिंग होती है एक्स वाई जी और एफ होती है तो आपने कोशिश करना है थ्री मार्क्स लेने हैं अगर ग्रेडिंग है तो एक्स लेनी है जब मैं रनिंग कर रहा था मेरा भी फिज़िकल टेस्ट था तो मेरी यहाँ पे एक्स आई थी तो आपने यहाँ पे भी मार्क्स में आपने एक्स लेना है अगर आपके दो नंबर आए आपका वाई ग्रेड होगा और अगर आप सात मिनट से साढ़े सात से लेकर आठ मिनट तक पहुँचते हैं तो आपका जी आएगा और अगर आप आठ मिनट से बाद पहुँचते हैं तो आपको फेल कर देंगे रनिंग में कोई रिलैक्सेशन नहीं है आपको दिन नहीं दिए जाएंगे कितने दिनों बाद आप दोबारा रनिंग कर लें आपको फ़ौर निकाल दिया जाएगा सिलेक्शन सेंटर से यहाँ पे दूसरी बात हम ये कर लेते हैं कि सात मिनट के अंदर अंदर आपने इसमें पहुँचना है सात से लेकर साढ़े सात में पहुँचेंगे तो आपको दो मिनट में दो मार्क्स मिल जाएंगे तो आपने कोशिश करनी है कि आपने छः मिनट में ही वन माइल कंप्लीट करना है सेवन मिनट्स पे डिपेंड नहीं करना क्योंकि वो दो किलोमीटर होगा अगर आप सेवन मिनट्स की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप इस दूसरे या तीसरे क्राइटेरिया में आएंगे और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप फेल हो सकते हैं रनिंग को आप इजी ना लें इसलिए रनिंग की काफ़ी प्रैक्टिस करें। दूसरी नंबर है अप्स पे आते हैं रनिंग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पुल अप्स है बाकी सारी चीज़ें पास हो जाती हैं लेकिन पुल अप्स में भी आपको गुंजाइश नहीं मिलेगी आपको थ्री पुल अप्स करने होते हैं थ्री एंड अबव करेंगे तो आपको टू मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप दो पुल अप्स करते हैं आपको एक मार्क्स मिलेगा अगर आप एक पुलअप करते हैं तो आपको पॉइंट फाइव मार्क्स मिलेंगे और ज़ीरो पुल जाहिर बात है आप फेल हो जाएंगे अगर आपसे पुल अप नहीं लगते आप अपने किसी दोस्त को अपने साथ लें और उसकी हेल्प से पुल अप की प्रैक्टिस करें पाँच दस दिनों में आपके कम अज कम दो तीन पुल अप लगने लग जाएंगे अगर आप किसी दोस्त से हेल्प ले कर पुल अप करने की प्रैक्टिस करें जाकर पुल बार पे लटकें कोशिश करें एक एक मिनट तक लटकें आपके पुल अप लग जाएंगे मैं भी आपको दिखाता हूँ पुल अप आपने कौन से वाले लगाने हैं तो यहाँ पे आपने अगर आपने कम से कम एक अप भी लगा लिया तो यहाँ पे आप पास हो जाएंगे इसलिए आपने कम से कम एक अप लगाना है और कम से कम आठ मिनट के अंदर अंदर आठ मिनट से पहले पहुँचना है रनिंग में तो पुशअप की बारी करते हैं पुशअप के टोटल दो मार्क्स होते हैं तो कई जगह पे तीन भी होते हैं लेकिन दो ही होते हैं तो उसके बाद आपने पंद्रह लगाने हैं पुश अप आप आपको लगाने आने चाहिए हर बच्चा लगा लेता है पुश अप आप, वो आपको आराम से अप डाउन अप डाउन करेंगे वन टू थ्री जू ही करेंगे तो आराम से वो आपको अप आप कहेंगे वन फिर डाउन फिर अप टू इस तरह तो इतने आराम से वो कहते हैं कि पंद्रह पंद्रह के सौ भी लगा सकते हैं इस तरह तो उसके बाद अलेवन टू 14 अगर आप पुशअप करते हैं तो आपको 1.5 मिलेंगे 10 पुशअप करते हैं तो एक मार्क्स मिलेगा और 9 करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे इसलिए वो सारों को ऊपर से देख रहे होते हैं आप सबको इकट्ठे पुशअप कराएंगे ये नहीं एक एक बच्चे का होगा तो आपको वो ओवरऑल देख रहे होते हैं कि कौन सा बच्चा पुशअप नहीं कर सकता किसके हाथों से जान खत्म हो गई है इसलिए आपने अपने हाथों में स्ट्रेंथ बनानी है आपके जो ट्राइसेप हैं ट्राइसेप स्प स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और आपने ट्राइसेप की एक्सरसाइज भी करनी है जिससे आपके पुशअप आप स्ट्रांग हो अगर आप पुशअप शुरू में नहीं कर सकते तो आप घुटनों के बल पुशअप करें और उसके बाद आपके पुशअप आप लगने शुरू हो जाएंगे लेकिन आपने पंद्रह से ऊपर करने हैं आप बीस आप कोशिश करें ट्वेंटी टू थर्टी पुश अप घर में उसके बाद आप क्रंचज़ आपने करनी है मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपने किस किस तरह करनी है क्रंचज़ के टोटल जो मार्क्स हैं वो दो हैं अगर आप बीस करते हैं आपने 20 से ज़्यादा करनी है क्रंचेस दो बच्चों को आपस में उनकी टांगे आपस में फंसा देते हैं और क्रंचेस करते हैं आप आपको कम से कम 50 तो करनी आनी चाहिए वैसे आप 20 कर लें तो आपको दो मार्क्स मिलेंगे अगर आप क्रंचेस करते हैं अलेवन टू नाइनटीन आपको वन मिलेंगे दस करते हैं तो एक मार्क्स मिलेगा और वरना आप फेल हो जाएंगे और डिज क्रॉसिंग में वो आपको सी लिख देते हैं इसका कोई मार्क्स नहीं होता इसके आगे सी लिखते हैं या फेल क्लियर या फेल अगर आप डिज क्रॉस जो होती है ये भी आसान सी होती है एक छोटा सा खड्डा सा होता है उसको आपने पार करना होता है तो यहाँ पे आपको क्लियर मिलेगा आपके आगे सी लिखेंगे या फेल तो इसमें सारे क्लियर हो जाते हैं ऐसे आपको तीन चार चांसेस देंगे कि जाओ यार क्लियर करके आओ अगर आप बीच में गिर जाते हैं या आपको डर लग रहा है तो आपने घर से प्रैक्टिस करनी है बेशक आपके आस पास डिच नहीं है लेकिन आपने सेवन पॉइंट फोर सात फुट आपने अपने जो आपका पाँव है उसको सात बार आगे पीछे रख के एक जगह पर निशान लगा लें और स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बना लें और उसके बाद आपने वहाँ से छलांग लगानी है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पर बेशक दरम्या में डिच नहीं है लेकिन आप किसी भी जॉगिंग ट्रैक में चले जाएं कहीं भी किसी रोड पे या घर की छत पे आप ये कर सकते हैं डिच क्रॉसिंग की प्रैक्टिस तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने पुशअप आप वगैरह कौन से वाले करने हैं और पुल अप कौन से करने हैं करन्ंचज़ किस तरह करने हैं और डिच कौन सी होती है तो अभी हम सबसे पहले आ जाते हैं रनिंग पे तो आपने रनिंग इस तरह करनी है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है आपके पास इस तरह बहुत सारे बच्चों को वो 200 बच्चे हैं तो 200 को इकट्ठा ही भगा देंगे तो तकरीबन आई थिंक सो सौ दो बच्चे को वो एक बारी में बुलाते हैं तो रनिंग आपने इस तरह करनी है इसी तरह होंगे तो आपको जो मैं रनिंग की एक टिप बता रहा हूँ अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आप रनिंग में कभी फेल नहीं होंगे आपने सबसे पहले तो क्या काम करना है रनिंग में कोशिश करना है जब ये लाइनें बन रही हों वो के बच्चों को कहेंगे रनिंग के लिए लाइन आप हो जाएं इस तरह चार पांच लाइनें बनेंगी फ्रंट पे तो आपने फ्रंट से लीड करना है बच्चों को अगर आप पीछे कहीं रह जाते हैं तो जब फॉर एग्जांपल आप बाद में आगे निकलने की कोशिश करेंगे तो ये बच्चे आपके आगे आ जाएंगे ऑब्वियसली या किसी की आपको टांग लग जाएगी तो क्या होगा आप गिर सकते हैं पीछे और ऊपर बच्चे आपके चढ़ सकते हैं कोशिश करना है आपने अगली पहली या दूसरी लाइन में होना है तो मैं जब था मैं फ्रंट पे था और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज यही है कि आप हमेशा से फ्रंट पे ही रहेंगे और दूसरी जो टिप है वो आपने ये करनी है कि आपने शुरू में थोड़ा स्लो भागना है कुछ बच्चे होंगे आप देख रहे होंगे कि शुरू में बड़ा तेज़ तेज़ भागेंगे कि यार हमारे से तो आगे कोई निकल नहीं सकता लेकिन जब वो ग्राउंड के दरमियान में पहुंचेंगे उनकी टांगों से जान खत्म हो जाएगी और वो स्लो हो जाएंगे इसलिए आपने स्लो स्लो भागना है बिल्कुल ऐिस्ता भी नहीं भागना और बहुत तेज़ भी नहीं भागना आपने न्यूट्रल रह के भागना है आराम आराम से भागना है और मीडियम स्पीड में और बेशक आपसे दस बच्चे आ गए हैं तो आपने कोई फिक्र करनी बाद में जब ग्राउंड का दरम्यान आएगा उसके बाद आपने स्पीड लगानी है और उन सारे बच्चों को पीछे छोड़ देना है तो ग्राउंड के एक राउंड हो है, अगर तो आपने दरम्यान तक मीडियम स्पीड में भागना है ताकि आपकी टांगे थक ना जाए उनमें एनर्जी बाकी रहे और आपने आगे से ही स्टार्ट करना है पीछे रह गए तो भाई आगे निकलने का आपको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि इतनी आवाम होती है आप कहीं गिर जाएंगे या फंस जाएंगे तो ये दो टिप्स हैं उसके बाद कोशिश करेंगे अगर सुबह है तो सुबह दूध वगैरह पी के चले जाए खाना खा के रनिंग को ना जाए खाली पेट अच्छी रनिंग होती है तो बाकी ये है कि रनिंग का जो जो भी आपकी फिज़िकल टेस्ट की डेट है उससे एक दिन पहले रनिंग ना करें उससे एक दिन पहले कंप्लीट रेस्ट करें ये नहीं कि आपकी सुबह रनिंग है तो आपने पिछले दिन आपने मंड के जा कर रनिंग की प्रैक्टिस कर ली और अगले दिन आपकी मसल्स में जान ही नहीं बची तो आपने एक दिन पहले रनिंग नहीं करनी आपने कम्प्लीट अपनी बॉडी को रेस्ट देनी है दूध पीना है और अच्छी डाइट लेनी है एक दिन पहले दूसरे नंबर पर हम आते हैं दूसरे नंबर पे हमारे पुल अप हैं पहले अप होते थे अप में हाथ दूसरी तरह रखते थे तो अभी यही पुल अप है अप में आपने अपने हाथ इस तरह रखने हैं और तीन पुल अप लगाने हैं तो पुल अप सिंपल है यार तीन हो जाएंगे आराम से एक भी हुआ तो आप पास हो जाओगे लेकिन आपने तीन करने हैं उसके बाद आपको क्रंचेस दिखा देता हूँ अप का तो सारों को ही पता है अप को छोड़ें फिलहाल तो क्रंचज़ या करंचेज़ आपको इस तरह करेंगे लेकिन दरमियान में ये नहीं होगा ये जो लोहे का बार है इसी तरह आपने आपस में टांगे फिसाई होंगी और आपको क्रंचज़ करने होंगे चेस्ट पे दोनों हाथ आपने रखने हैं और नीचे जा, जिस तरह वो यार एब्स के क्रंचेज लगाते हैं वही वाले हैं तो ये आप ये वाली पिक्चर देख सकते हैं सेम इसी तरह आपका एक पार्टनर होगा आपके साथ जो भी बचा होगा और आप दोनों ने चेस्ट पे हाथ रख के नीचे फुल जाना है और वापस ऊपर आना है इस तरह आपने बीस लगाने हैं और क्रंचज़ हो जाएंगे यार कोशिश करनी है इसमें जो एक बड़ा लूप होल आता है जो ब्लेंडर होता है या आपके पार्टनर की टांगे वीक होती हैं या आपकी टांगे वीक होती हैं ये आपने मेक श्योर sure करना है कि आप दोनों की टांगे निकल ना जाए एक बार निकल गई तो उधर से आपको पीटी ने उठा के भेज देना है कि आप इसमें फेल हो गए इसलिए आपने जान की बाजी लगा देनी है लेकिन ये टांगे यहाँ से ढीली नहीं होने देनी इनको अगर उसकी ढीली हो रही है उसको भी टाइट करें कोशिश करना है ये जो आपका बॉन्ड है ये मेंटेन रहे तो आपके क्रंचेस पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आई थिंक सो कोई भी चीज़ नहीं बची तो डिच क्रॉसिंग रह गई है यार तो डिच क्रॉसिंग का ये जो सैंपल आपको मैं दिखा रहा हूँ इसमें इसी तरह का आपके पास एक घड़ा सा बना होगा पीछे से आप भाग के आ रहे होंगे और यहाँ से आपने इसको क्रॉस करना है यहाँ से छलांग लगानी है और इधर तो मैं कुछ आपको यही इसमें टिप दूंगा कि आप इसकी घर के में प्रैक्टिस करें वरना आपके जहन में एक अल होगी कि आप इसके अंदर गिर जाएंगे या आपसे नहीं हो पाएगी आप अपनी घर की छत पे एक पॉइंट इधर लगा लें और सात फुट अपने पाँव को आगे पीछे रखें एक पाँव के आगे दूसरा पाँव और इसके इसी तरह सात कर सात बारियाँ करें और ये दरम्या इधर एक निशान इधर लगा लें एक एंड पॉइंट पे लगा लें और यहाँ से लेकर यहाँ पे छलांग लगाएं आपकी यह डिच क्रॉसिंग बिल्कुल इजीली हो जाएगी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दरमियान में इकड़ा है या जो मर्जी है आपकी घर से प्रैक्टिस ना हुई हुई तो उम्मीद है कि आप अंदर गिर जाएंगे इसलिए आपने प्रैक्टिस इसकी लाजमी करनी है और डिच क्रॉसिंग इतनी बड़ी चीज़ नहीं है सब ही कर लेते हैं तो आई थिंक सो आज के लिए इतना ही काफ़िया है उम्मीद है कि फिज़िकल को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं फिजिकल को आपने ईजी नहीं लेना फिज़िकल में बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई भी क्वेश्चन है कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं मैं आपको रिप्लाई करूँगा और कोई फिजिकल मेडिकल या आई एस एस बी के रिलेटेड या किसी और टॉपिक के रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पीस आउट